मरियम और उसके बाबा ने मुझे माफ कर दिया है। का मैंने भी सब कुछ भुला दिया, लेकिन लेकिन मैं सलार को बुला ही नहीं पा रही। सीम्स इम्पॉसिबल टू लेट हिम गो। फिर तुम क्या करोगी? दीपू जब किसी और पर बसना चले ना, तो सिर्फ खुद पर ही जोर चलता है। देखो, तुम उस बंदे के लिए कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना जो तुम्हें पसंद ही नहीं करता है। मैं जानती हूँ मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो कोई भी पसंद नहीं करता। मेरी मामा को उनके बिजनेस और एनजीओ से प्यार है, लेकिन मरियम उसके बाबा तो उस पर जान छिड़कते हैं। मैडम, तुम फजूल में डिप्रेस हो रही हो। हमारे एग्जाम्स करीब है, हमें स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। कुछ भी नहीं हो रहा। तुम कहाँ खो गई? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि कुछ दिन बाद हम इस कॉलेज से चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब मुलाकातें होती हैं। कितना अच्छा टाइम गुजराना है यहाँ पे सलाह। हाँ, अच्छे तो गुजरे, लेकिन मुश्किल थे, अच्छे भी थे तुम्हारी वजह से। सब लोग अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे, कोई अपनी फैमिलीज के पास वापस चले जाएंगे, मुलाकात भी नहीं हुआ करेगी। आई मिस यू। तो अगर तुम ये सब बताकर ये सोच रही हो कि मैं रोजाना शाम में तुम्हारे घर मिलने आ जाए करूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। बुलाओगी तो आ भी जाऊंगा। मैं ऐसी किसी भूल के हक में नहीं हूं, या शायद हूं। अच्छा चलो ठीक है। अब तुम अगर इतना इंसिस्ट कर रही हो, तो मैडम। मैंने कब इंसिस्ट किया? यार मुझे पता चल जाता है। आई कैन हियर योर थॉट्स। सुने जरा मेरी उल्टी सीधी बातों को आप कभी तवज्जो फरमाए, कर मेरी और रुख मुलाकात कभी। तसव्वुर की दुनिया से सच में जरा बदले इस दास्तां को कभी, दे दे थोड़ी।